नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। फर्स्ट ईयर बीकॉम की रेगुलर बैच की जो एक्सटर्नल एग्जाम है, यानी कि एंड सेमेस्टर की एग्जाम, वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल जो है मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज FR पंकज जायसवाल पर पोस्ट कर दिया है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है, एक्सटर्नल एग्जाम में पर्टिकुलर सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी ही नहीं, एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो अलग अलग फैकल्टी में आता है। जैसे कि हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ और पॉलिटेक्निक भी आ सकता है। ये अलग अलग सेंटर जो है वो इसलिए क्योंकि जो कॉमर्स फैकल्टी की जो ट्रेंड है और फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो एडमिशन नंबर है कम से कम 6500 के ऊपर है, तो ये सभी स्टूडेंट्स एक साथ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में नहीं आ सकते। क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है, बात करेंगे तो एवरीवन क्लास में लगभग जो स्टूडेंट्स की स्ट्रैंड होती है वो 30 से 35 होती है, यानी कि 30 to 35-40 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसमें दो टीचर होते हैं NSEM एग्जाम में, क्योंकि जो NSEM एग्जाम होती है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। पर्टिकुलर एक बेंच पर एक स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम देगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें सभी स्टूडेंट्स को केयरफुली एग्जाम देना है, ना कोई भी चीट, ना कोई स्मार्टफोन, ना फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन आपको आपके साथ में रखना है, पैड पे भी कुछ लेके नहीं जाना है, क्योंकि NSEM एग्जाम में ही कॉपी केस होता है और कॉपी केस हो जाने के बाद आप पर लगभग एक या दो इवेंट के लिए बैन भी कर दिया जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो इसका जो नुकसान होता है कहीं ना कहीं आने वाले सेमेस्टर में या फिर जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर का, तो उसमें इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हॉल टिकट। तो हॉल टिकट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में जनरेट कर दी जाती है। हॉल टिकट के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होगी, तो हॉल टिकट के अंदर आपका एग्जाम वेन्यू और आपका एग्जाम सेंटर क्या है वो वहाँ पर बताया जाएगा। उसके अंदर स्टूडेंट्स का नाम लिखा होगा, उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट लिखे होंगे, सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे, साथ साथ में स्टूडेंट का PRN नंबर होगा, स्टूडेंट का सीट नंबर होगा और किस सेंटर पर स्टूडेंट का नंबर आया है वो भी उसमें मेंशन किया रहेगा। और वो हॉल टिकट लेकर ही आपको जो एग्ज़ाम है वो देने जानी होती है। तो हॉल टिकट कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो हॉल टिकट है वो 15 या 16 फरवरी के बाद जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी, तब हमारे द्वारा आप सभी को अपडेट करने में आएगा और हॉल टिकट आपको जो है वो मिल जाएगी और उसके बेसिस पर आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। दूसरी बात कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, तो जो लोग सेंट्रल बोर्ड यानी कि CBSE बोर्ड से होते हैं या फिर आउट ऑफ गुजरात अदर स्टेट से होते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक आपने सबमिट नहीं करा है ऑफलाइन फिजिकल मोड में, तो आप लोग जल्द से जल्द आपकी रिस्पेक्टिव बिल्डिंग की ऑफिस का कांटेक्ट करें और आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो सबमिट करा दें। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम दी थी और जिस स्कूल में आपका एडमिशन था, CBSE या फिर आउट ऑफ गुजरात के किसी स्टेट में, तो आपको स्कूल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करेगी। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ये जो बात थी मैंने आपको बताई NSEM एग्जाम यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम के हॉल टिकट के बारे में और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। नमस्कार।